हाँ जी, रात के अराउंड 10 बज रहे होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। मेरी आवाज़ हो चुकी है बहुत ज़्यादा भारी। तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कुछ गलतियां हैं जो आप आज से करने वाले हैं और जिसका भुगतान आप एग्जाम में करने वाले हैं, वो चीज़ों को लेके मैंने सोचा एक बार आपको एक वार्निंग सी दे दूँ मैं। बाकी लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया इस चीज़ को लेकर, मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों के रिस्पॉन्सेज देख के कि आपने एमसीक्यू वगैरह कवर किए थे। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो बच्चे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है इस रीज़न की वजह से, और काफ़ी सारे बच्चे जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया जिन्होंने मुझे बताया कि उनका लॉ का पेपर क्यों खराब गया, तो मैं वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, कोई इसमें इंट्रो वीडियो नहीं लगाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने 2 दिन बचाने ही बचाने हैं। क्या चीजें हैं जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें भी लिखा हुआ है अवॉइड लाइव मैराथन्स, क्यों लिखा है मैंने जरा ध्यान से देखिएगा। मेरी अभी एक बच्चे से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर कल रात को, मतलब जो भी 1-2 दिन मिले, उन्होंने बहुत सारे लाइव देखे, लाइव मैराथन्स। अब उन लाइव मैराथन्स में क्या हुआ, मैं टीचर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा जो उन्हें कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत लगती है मैराथन्स बनाने में, लाइव मैराथन्स बनाने में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ रखे और जो भी उन्हें अपनी बात बोलनी है वो बोल के और चले जाए, ताकि बच्चे पढ़ सके। अब कमेंट सेक्शन में कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, बच्चा उसे देख रहा है, उसका माइंड कुछ भी, एक भी चीज़ आपके काम की नहीं है। जिन भी टीचर्स ने, मैं बताता हूँ, अगर आपको लाइव मैराथन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि उस बच्ची ने मुझसे यही बोला और 2-3 बच्चों ने मुझसे यही बोला कि सर हम लोगों के लाइव मैराथन देखते रह गए और उसमें से मुझे कुछ ज्यादा मिला नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें याद भी रह गई तो वो लिख नहीं पाए उसके कंटेंट को। और ये लॉ का पेपर नहीं है, आगे आने वाला पर टेक्स्ट का पेपर है। तो जिन भी टीचर्स ने, मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियोस देखिए, जिन भी टीचर ने रिविजनरी वीडियोस ऑलरेडी बना के डाली हुई हैं, चाहे वो 10 दिन पहले डाली हुई है, चाहे वो क्या नाम है आपकी 1 महीने पहले डाली हुई है, 2 महीने पहले डाली हुई है, 3 महीने पहले डाली हुई है, आपको आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से टीचर की वीडियो देखनी है। कि अगर आपको जीएसटी रिवाइज करना है तो टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, कौन सा चैप्टर देखना है, रिवाइज किया, अपने नोट्स देखे, आईसीआई के क्वेश्चंस देखे, और अगर आपको कंपाइलर चाहिए तो मैं कंपाइलर भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, कि क्या नाम है, सुबह सुबह ही ला दूंगा मैं आपके लिए कंपाइलर। तो अगर आपको कंपाइलर चाहिएगा, कि अगर आप पास्ट ईयर पेपर वगैरह चाहते हैं कि सारे मैं कंबाइंड करके आपको दे दूँ, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर वो हेल्पफुल रहते हैं, जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट सभी के प्रोवाइड कर रखे, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। कितने भी पेजेस, मतलब शायद 339 अराउंड पेजेस है उसमें, तो वो आप बोलेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे आपको लाइव मैराथन जो भी टीचर कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका ऑब्जेक्ट क्या है, इंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप उस लाइव मैराथन में, कोई भी लाइव जा रहे हो, कोई एमसीक्यू करा रहा है आप उसमें बैठ के वॉच कर रहे हो, कोई क्या नाम है केस बेस्ड प्रैक्टिस करा रहा है आप उसमें, बच्चे आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपको अब समय रह गया है कि आप उनको रिवाइज करें, कंटेंट को लिख के देखें और आईसीआई के क्वेश्चन वगैरह देखें। अगर आपका उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं क्या नाम है आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड कर दूंगा मैं उसको। लेकिन आप इन चीजों में ना पढ़ें, लाइव मैराथन से काफी सारे बच्चों के क्या नाम है चीजें खराब हो जाती हैं। टेक्स्ट का पेपर एक थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज कोई क्वेश्चन टीचर ने शाम को अगर क्लास में कराया, एक रात पहले भी अगर आप मैराथन में देख के गए हैं, तो आप मॉर्निंग में सॉल्व कर पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे बच्चे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप किसी भी मैराथन का पार्ट ना बने। आपको अगर कोई चीज चाहिए तो हमारे चैनल पे भी, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, या जो जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं या रिविजनरी वीडियोस देखते हैं, जो रिविजनरी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, ऑलरेडी टीचर ने डाली हुई है, आप जज कर सकते हैं कितने घंटे की है, आपको देखनी है नहीं देखनी, छोटी है बड़ी है, क्या चीज है। जो लाइव है उसमें तो बस चल रहा है, अब आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कब कोई चीज काम की आ रही है। हो सकता है 15 मिनट का लाइव देख के उसे छोड़े कि भाई ये मेरे काम की चीज नहीं है, उस समय पर आपका दिमाग भी खराब हो और चीजें भी खराब हो गई। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये चीज करें। तीसरी चीज मैं आपसे क्या चाहता हूं कि जस्ट बिकॉज आपके पास इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा है और 2.5 डेज है, तो आज के दिन को बिल्कुल भी इधर उधर में मत निकाल दीजिए, कि अभी तो समय है, टेक्स का पेपर है। और पता नहीं क्यों मेरी ऐसी गट फीलिंग है, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि टेक्स का पेपर इस बार ट्रिकी आने ही आने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करनी है, कि कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, आपने आईसीआई के किसी भी मटेरियल को छोड़ा नहीं है और आप उसे करके आएंगे। और जो बच्चे, फोर्थ पॉइंट, कई सारे बच्चे मुझे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं जब मैंने जीएसटी की सुपर 40 वगैरह डाली थी, कि सर मुझे जीएसटी बहुत अच्छे से आता है, इनकम टैक्स में ऊपर ऊपर से करके चला जाऊं, 2-3 प्रोविजन करके चला जाऊं, तो ऐसे मेरे नंबर आ जाएंगे, ऐसे मेरे 40 आ जाएंगे, ऐसे मेरे 60 आ जाएंगे। तो मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होकर जा रहे हैं, चाहे वो जीएसटी है और इनकम टैक्स है, तो आपका पेपर खराब ही जाने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता वो जीएसटी वाले पार्ट को भी मुश्किल बना सकते हैं, इनकम टैक्स को आसान बना सकते हैं, इनकम टैक्स को मुश्किल बना सकते हैं, जीएसटी को आसान बना सकते हैं। जीएसटी आसान होगा तो उसमें मार्किंग कैसे करेंगे हमें नहीं पता, दोनों अगर मुश्किल आ गए तो आपको दोनों दोनों के लूप होल्स ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन से में कौन कौन से क्वेश्चन इजी है, किसको पहले करना है, ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चे किसी भी पर्टिकुलर चीज पे आप डिपेंडेंट होकर ना बैठे। मैंने जीएसटी से रिलेटेड आपको बताया है, मैंने नंबर भी दिया है उसमें, पता नहीं अभी मैंने अवेलेबल है आपके पास या नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं,
आप पहले YouTube पे सर्च कर लेना किसी भी टीचर का अच्छा लगे, अदरवाइज तो लॉ में आपने देख ही लिया होगा जो भी रिवीजन वीडियो होती है बड़ी क्रिस्प होती है, नोट्स वगैरह उसके इतने तरीके से होते हैं कि आपको कोई भी MCQ वहां से कवर करा लिया जाएगा, आप इस चीज़ की श्योरिटी मान के चलिएगा। मुश्किल बहुत ही ज़्यादा आ गया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको चीज़ें वहां से रिलेवेंट मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आप उसे स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन जो लाइव मैराथन टीचर्स ले रहे हैं, मुझे उनसे मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे देख रहे हैं 1000, आपका बच्चे कुछ रिवीजन नहीं हो रहा। लॉ में तो आप एक बार आपको बोल सकते हो कि सर MCQ वगैरह याद आ गए, हमने कल रात पढ़े थे, लेकिन टेक्स्ट में जो थियोरिटिकल वाला पार्ट है और जो डिस्क्रिप्टिव केस सिनेरियो भी आएगा वो भी सॉल्व करने वाला आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप का फॉर्मेट देख लेना आप, नेम अपना बता देना, स्टेट अपना बता देना, कोर्स आप CA के बच्चे हैं तभी आपका रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मैं बाकी सारे क्लास के बच्चों को भी रिस्पांस नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप 2 वालों को भी ज़्यादातर रिस्पांस नहीं ही मिल रहे होंगे, आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पेपर के बाद, ठीक है। और उसके बाद अपनी क्वेरी जो भी आपको चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि कल भी काफ़ी सारे बच्चों ने 2:30 बजे भी मुझसे नोट्स वगैरह मांगे थे, लेक्चर्स मांगे थे, मैंने उनको भी प्रोवाइड किए, तो आप अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और कोई ना कोई हेल्प मैं आपकी पक्का करूँगा, ठीक है। ये हो गए थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर आते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक किसी की सुपर 40 ले ली, किसी टीचर ने सुपर 30 डाल दी, किसी टीचर ने सुपर 50 डाल दी। भाई मेरे भी मत देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल टीचर्स और मल्टीपल मेंटर्स को मत चुने, किसी एक टीचर की बात समझें, उनके लेक्चर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, उनके नोट्स अगर आपको समझ में आते हैं, रेलेवेंट लगते हैं, छोटे होते हैं, आपको जैसे ठीक लगे पहले जज कर लीजिए कि आप इस टीचर की बात मानना चाह रहे हैं या इस टीचर की। अगर आप सब टीचर की बात मानेंगे तो टू मैनी टीचर्स की जब आप बात मानेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी मेरे हिसाब से, और आपको कहीं का भी आउटकम जो है जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी की लिस्ट ना देखें, जिस टीचर की लिस्ट पर आपको भरोसा है। दूसरी चीज़, अगर किसी की लिस्ट पर भरोसा है तो बार बार उससे पूछे मत कि सर विल दैट बी इनफ, विल इट बी इनफ। इनकम टैक्स मैंने आपको बता दिया है, जो सुपर 40 है उसको मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आपको कल शाम को, या तो फिर परसों सुबह मैं आपको इनकम टैक्स की तैयारी कराना शुरू करा दूंगा और एक एक चैप्टर यूट्यूब पर डालूंगा मैं, एक भी वीडियो लाइव नहीं होगी, आप जब देखना चाहें, जिस चैप्टर को देखना चाहें देख सकते हैं। GST का पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यूट्यूब के अंदर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में ना मिले तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। GST रिवीजन वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट है और अमेंडमेंट लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, अगर आपको ना मिले तो आप मैसेज करके मुझसे मांग लीजिएगा। बाकी आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बाकी सारे बच्चों से डिस्कस की हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी अपनी सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिएगा, बार बार यूट्यूब पे मल्टीपल टीचर्स के MCQ देखना कि इसमें क्या आंसर रहने वाला है, लॉ में मेरा कहीं गलत तो नहीं हो गया, वो कोई पूरा सॉल्यूशन करा रहा है उसकी वीडियो, अब बंद कर दीजिए। 2 दिन की छुट्टी है, मुश्किल पेपर आने वाला है, ऐसी बात समझ के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे अपने बच्चों के साथ ही कुछ बातें हैं जो वो गलती करेंगे, कल परसों अगर मैं समझाता तो उसका कोई फायदा नहीं, जब समय वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हालत नहीं है मेरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गलतियां ना करें, चाहे मुझे मेरी चीजें फॉलो करिए या किसी पर्टिकुलर टीचर की चीजें फॉलो करिए, एक मेंटोर को चुनिए और बस उसमें लग जाइए। मल्टीपल हर जगह कोई भंडारा नहीं बट रहा है कि आप जिसकी लाइफ देखी उसमें घुस गए और बस चैट्स बढ़ रहे हैं और कोई आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। अपना टाइम टेबल बनाइए और उससे रिवीजन कीजिए। मैंने एक टाइम टेबल शेयर किया है, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सोना मत जब तक आपका आज का टारगेट पूरा ना हो जाए, यूट्यूब वगैरह को छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। तो कल मैं आपसे मिलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। आज के लिए फिर से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि लॉ का पेपर और बहुत सारी वीडियोज मैंने आपके लिए बनाई थी वो आपके लिए रिलेवेंट साबित हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद बस अपनी पढ़ाई करेंगे और किसी भी YouTube, Instagram या लाइव वगैरह किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। पक्का कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ सर नहीं करेंगे, मैं देखूंगा आपको ये बात अच्छी लगी या नहीं। तो मिलता हूँ कल इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।